केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने को पार्टी में राजतंत्र की निशानी करार दिया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि इसे लेकर उन्हें कोई भी आशंका नहीं थी। उन्होंने जहां धारा 370 का मामला कानून की समीक्षा होने की बात कही, वहीं पर अयोध्या को राजनीति का मुद्दा ना बनाकर 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले मंदिर बनाने का दावा भी किया। जीएसटी के मुद्दे पर भी उन्होंने राज्य सरकारों पर लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि आज देश में लोकतंत्र है। कांग्रेस ने जरूर लोकतंत्र को माना है, लेकिन पार्टी के अंदर कांग्रेस में राजतंत्र है। कोई उसी घराने का व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, और ये उसी तरह है जैसे अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला की कंपनी में जब भी कोई सीएमडी होगा तो उन्हीं के परिवार का या उन्हीं के कहने पे होगा। आज कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र है, और लोकतंत्र में रानी के पेट से पैदा लिया हुआ बच्चा राजा नहीं बनता, बल्कि जनता के पेट से लिया हुआ पैदा देश का प्रधान बनता है। मुझे समझ में नहीं आता है, कांग्रेस की हार को न राहुल एक्सेप्ट कर रहे हैं न आप पूछ रहे हैं। 5 साल में कांग्रेस वहां हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीती। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनते ही सिर मुड़ाया, ओले पड़े, फिर भी कह रहा। तो उन्हें गुजरात की हार, हिमाचल की हार और भविष्य की हार के लिए बधाई। राम मंदिर मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। उसी तरह से कश्मीर में 370 का मुद्दा, वो देश का मुद्दा है। और लॉ कमीशन को दिया गया है, लॉ कमीशन के रिपोर्ट के बाद एक देश एक कानून होगा। आपने देखा नहीं, कांग्रेस अरुणाचल में कैसे हार गई, दोनों सीट बीजेपी ने ली। इस बड़े बड़े लोग बोल रहे थे मंचों पर, चहर चहर करके, टोपियां लगा करके, यूपी का कानपुर देहात का सीट किसने ली, भारतीय जनता पार्टी ने ली। तो आज कांग्रेस पार्टी देश में कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो विश्वसनीयता खो दी है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता आज देश। लुधियाना दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी के प्रधान बनने से उन्हें कोई आशंका नहीं थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी में आज भी राजतंत्र चल रहा है, जहां मां ने बेटे को सत्ता सौंपी है, जबकि आज के वक्त में लोगों का चुना व्यक्ति ही नेता बनता है। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा के साथ बलराज खन्ना की रिपोर्ट।